हो कि हमारे चनारी क्षेत्र का कोई ऐसा विकास नहीं हो रहा कि जो कि यहाँ गरीबी क्षेत्र है, हरदम क्षेत्र है, जो कि आदमी जी पाए। ना बस यही हमारा इच्छा है कि कम से कम हरदम क्षेत्र अब तो हटाया जाए। लेकिन जो हम लोग के लिए बोले थे कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसके लिए सरकार अभी तक पहल नहीं किए हैं। हमारे मोदी जी का कहना है कि हमने लकड़ी को बंद करा दिया, घर घर में रसोई गैस दे दिया है, विकास कैसे नहीं है? वो विकास नहीं ना है, 1200 रुपए का गैस लेंगे, वो विकास थोड़ी है। सबका उज्वाला योजना घर में रह गया। रोजगार न चाहिए, प्लांट बैठेगा तब ना आदमी रोजगार मिलने को मिलना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास ऐसा संदेश हमने पहुंचाना चाह रहे हैं कि कम से कम हरदम क्षेत्र को हटावें, तभी हम लोग का विकास कोई बड़े जातियों में चीन को जाएगा। तो कुछ संसद में आवाज़ उठाएंगे, यहाँ के बस हरदम जीत के जाएंगे, किनारे बैठे रहेंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है। अरे भाई, कैसे नहीं विकास हो रहा? आपको गैस लकड़ी जलाने के लिए मना कर दिया गया है, गैस से खाना बनाइए, ये विकास ही नहीं है भाई। विकास तो आपको राशन मिलता है कि नहीं? हाँ, राशन मिलता है, तब ये विकास ही नहीं है भाई। ये विकास है क्या है भैया? फ्री में राशन मिल रहा है, कम बड़ी बात है भैया? क्या क्या करें भाई? ये राशन भले ना दे, अगर रोजगार दे देते ना, अगर रोजगार में हम कमा लेते हैं तो हर चीज अपने घर का मेंटेनेंस पूरा कर लेंगे। अगर वो 5 किलो चावल देते हैं तो 5 किलो चावल हम 1 महीना में खा लेंगे, खा सकते हैं हम। दाल का रेट कुछ हाल मालूम है भैया? हाँ, दाल का रेट ऐसी, लहसुन का रेट मालूम भैया? सब 200 रुपये हो ठेक गया। प्याजवा भी कैसे है? हाँ, 60 रुपये है। और तेलवा कैसे है भैया? 160 रुपये है। क्या खाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज और मैं हूँ साथी के मामले न्याजी। आज यहाँ पे दो दोस्त बैठे हुए हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद निजाम कुरैशी। ये मोहम्मद निजाम कुरैशी साहब, घर कहाँ है आपका? बाजितपुर। बाजितपुर के रहने वाले हैं। देखिए, एक इनके बचपन के दोस्त बैठे हुए जी, आपका नाम? रंजीत चंद्र वंशी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कसियावा रोड, महावीर स्थान। जी निजाम साहब, कहिए क्या हाल है आपके इलाके में? ठीक है, हमारे इलाका में भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ जो है सब कुछ बंद हो गया है। पहाड़ में सेंचुरी लगा हुआ है, करवनिया बंद हो गया है। ऐसा है, हम लोग भुखमरी पे मर रहे हैं, विकास का दावा गलत है, ये है वो, क्या कहिएगा? विकास क्या है? ये भी सही बात कर रहे हैं जो कर रहे हैं, सबका यही हाल है। रोजगारी में तो दिक्कत है ही, लेकिन रोजगार है नहीं यहाँ पर, जो कर रहे हैं वो सही बात ही कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं। तो क्या अब 2024 का इलेक्शन होगा, हमारे नेता जी लोग आएंगे तो विकास के मुद्दे पर लोग वोट मांगेंगे, तो क्या कीजिएगा आप? उनका तो विकास के लिए कहेंगे तो वोट हम लोग देंगे। जी जी साहब, जी साहब क्या बोलेंगे? 5 किलो अनाज पे सरकार आए थे, वो बोले थे हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने के वादे पे आए थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने के वादे पाए थे जी। इसके लिए आए थे ना, कि 5 किलो राशन पे नहीं ना आए थे? बहुत बड़ा बड़ा दावा था, विकास का दावा था, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हर एक के खाते में इतना आएगा। नहीं नहीं, वो तो हमारे गृह मंत्री ने वो बोला कि वो चुनावी चीज का बोलने का एक जुमला होता है, उसपे मतलब उसपे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो 15 लाख वाला हमारे यहाँ, हमारे जो प्रखंड है या मतलब जो हमारा रोहतास और नौहट्टा जो 2 प्रखंड है, इसमें इतना लाइम स्टोन जमीन है कि यहाँ पे 10 या 15 सीमेंट प्लांट चल सकता है, और हमें कहीं से मंगाने का जरूरत मटेरियल पड़ेगा भी नहीं, ये हमारे पास खुद अवेलेबल है। हमारे यहाँ बालू है, हमारे यहाँ पत्थर है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जब 1999 में जब हमारे सांसद मुनीप जी बने, मुनी लाल बने थे जी जी, तो हमारे यहाँ पे हमारे पहाड़ पे सेंचुरी लगा दिए थे। सेंचुरी लगा दिए थे, उसके कारण आज जो सांसद हमारे मुनी लाल जी साहब जो थे, वो शायद हमारे ख्याल से बीजेपी ही के वो, हाँ बीजेपी के ही सांसद थे, वो बीजेपी के ही सांसद थे। उसी टाइम हमारे पहाड़ पे सेंचुरी लगा दिया गया कि यहाँ पे ये पहाड़ में बहुत सारे जानवर है, अगर इनकी कटाई होती है तो जानवर लोग मर जाएंगे या भाग जाएंगे। अरे साहब, जानवर को बचाने की बात हो रही है, इंसान यहाँ भूख से मर रहा है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप?
गरीबी यहाँ पे बहुत सर चरम पे है। आप कहीं पे भी इस इलाके में आप पता कर लीजिएगा, गरीबी यहाँ पे चरम पे है। बस यही हम चाहते हैं कि रोजगार कम से कम दीजिएगा। 5 किलो चावल ना दे, अगर रोजगार देगा तो वो अपना पेट भर लेगा या अपना घर का स्थिति ठीक कर लेगा। जी भैया क्या करें आप, करें गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा भैया तो कैसे हो रहेगा, भूखे मर ना जाएगा। अरे भैया विकास हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है, प्रकाशी प्रकाश से लाइट है, रोड है, ये है वो है, 5 किलो अनाज मिल रहा है आपको। 5 किलो से कितना दिन आदमी को पेट चलेगा जब रोजगार नहीं मिलेगा। 5 किलो। नाम क्या है आपका? जितेंद्र पासवान। कहाँ रहते हैं आप? बाजितपुर। ये देखिए बाजितपुर की समस्या, सारी जनता भी ये बोल रही है कि हमें विकास नहीं हमें रोजगार चाहिए। आज जो मुद्दा है हमारे इलाके में और ख़ास करके जो हमारा इलाका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले मोल पर, अगले पड़ाव पर।